पंचायत समिति नूरपुर की त्रैमासिक बैठक खंड विकास कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति अध्यक्ष संदेश डटवाल ने की। बैठक की कार्यवाही शुरू होने से पहले सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा गत 9 अप्रैल को नूरपुर बस हादसे में मारे गए स्कूली बच्चों तथा अन्य लोगों की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। संदेश डटवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में पंचायत समिति नूरपुर में मनरेगा, 14वें वित्त आयोग तथा अन्य योजनाओं के तहत किए गए विकास कार्यों तथा आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति नूरपुर में वर्ष 2018-19 के लिए आवंटित धनराशि से विकास कार्यों को विशेष गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने सभी समिति सदस्यों तथा पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में करवाए जा रहे विकास कार्यों के क्रियान्वयन के साथ साथ उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। खंड विकास अधिकारी प्रकाश चंद ने जानकारी दी है कि गत वर्ष मनरेगा के तहत लगभग 11 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने सभी सदस्यों से विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने का आह्वान किया, ताकि सभी सदस्यों के सहयोग से इस वर्ष मनरेगा व 14वें वित्त आयोग के तहत जारी धनराशि से विकास कार्यों को विशेष गति प्रदान की जा सके। जो बैठक हुई है उसमें सबसे पहले जो है मतलब नूरपुर में बस दुर्घटना जो बच्चों का हुआ है उसके बारे में 2 मिनट का जो शोक जो है प्रकट जो है सभी समिति सदस्यों द्वारा किया गया। साथ में पंचायत समिति ने जो नए मनरेगा शर्फ 14 वित्त आयोग जो इनको समिति से उन्होंने पारित किया है, और इसके अलावा आय व्यय जो है पिछले वर्ष की उसको भी अनुमोदित किया समिति द्वारा। यहाँ सबसे ज़्यादा मनरेगा में जो है कार्य जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, और इसके साथ ही 14 वित्त आयोग में भी सबसे अधिक कार्य हो रहा है। बट इसमें थोड़ी सी हमें सीमेंट की प्रॉब्लम आ रही है सिविल सप्लाई से, जिसके अभाव से जो पंचायतों में काम काफ़ी रुके हुए हैं। तो हाल ही में अब हमने मनरेगा में लगभग 11 करोड़ के करीब रुपया खर्च किया है। अगर हमें सीमेंट का थोड़ा प्रावधान हो जाता तो इसमें हमने कोई मतलब 5-4 करोड़ रुपया और हमारा इसमें व्यय हो जाना था, और उसमें डेवलपमेंट भी बड़ी अच्छे ढंग से होता नहीं था। सब इसको मनरेगा में पैसा नहीं बढ़ रहा था, अभी आ रहा है, हो जाएगा, चल रहा धीरे हो जाएगा। बाकी हम सोच रहे हैं कि डिस्कस करेंगे आज जो बच्चे खत्म हुए हैं उनके लिए हम अपनी ब्लॉक की तरफ से उस पार्क के यहाँ पे को मंदिर है वहाँ पर बनाया जाए, ऐसी पंचायत ने कहा कैबिनेट हुई, अगर संभव पूरे पंचायत समिति से ही ब्लॉक की तरफ से पूरे यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, और पूरा हमारा एक मंदिर या कोई ऐसी कोई चीज़ बन जाए जिसे हम खर्च कर सकें वो बनाने की हम कोशिश करेंगे, जिसे हम कर सकेंगे करेंगे।